हाउ आर यू, कैसे हो आप? और टुक टुक रानी, जिस हिसाब से हम आपका नाम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का किरदार आपने निभाया है काफी अमेजिंग। लेकिन आप रियल रियल लाइफ में जब हम आपसे मिलते हैं तो एकदम मासूम सी, चुलबुली सी, लेकिन स्क्रीन पे नहीं लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे चल रही है लाइफ और क्या हो रहा है आजकल आपकी लाइफ में, जरा ऑडियंस को बताइए जो आपसे सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। लेकिन कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती है तो वो आपसे ही हम सुन पाते, ऑडियंस जान पाते हैं। बहुत कुछ तो नहीं चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। हाय, मैं यशस्वी मसूरकर, मैं ठीक हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। आजकल एक दूसरे से तुम कैसे हो पूछना कितना ज़रूरी हो जाता है ना। हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़कर आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले से बहुत काइंड तरीके से पेश आए। और फिलहाल तो यस, दबंगी में किरदार निभा रही हूँ। मैं एक बच्ची की माँ हूँ, एक इंस्पेक्टर की बीवी हूँ, एक टीचर हूँ। तो उस तरह जब हम ड्रेसअप करते हैं, उस गेटअप में आते हैं, तो ऑब्वियसली अलग लगते हैं। एक्चुअल में मैं ऐसी लगती हूँ। कभी कभी लोग भूल जाता है। मैं अभी कहीं छुट्टी पे गई थी और वहाँ मुझे कोई दबंगी की फ़ैन मिली, जिन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप तो ऐसे छोटे लगते हो, लेकिन हमें सीरियल वाली जो हो वही याद है, तो हम आपको सीरियल वाले नाम से ही बुलाएंगे। सो इट हैज़ बिन अ कॉमन थिंग कि आप पर्दे पे कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और। दबंगी के अलावा मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। ट्रैवल कर रही हूँ अपने टुक टुक के साथ। अभी 30 दिसंबर जब मेरा बर्थडे होता है, तो मैं टुक टुक को लेके गुजरात गई। वहाँ पर हमने 31st भी सेलिब्रेट किया, एंड इट हैज़ बिन नाइस। मैम, ये टुक टुक की कहानी क्या है? थोड़ा मैं जानती हूँ काफी लंबी हो सकती है, लेकिन एक छोटा सा मतलब रिकैप करवा दीजिए ना जिन्हें नहीं पता है, क्योंकि दंगल के थ्रू एक नए ऑडियंस भी आती है, आपसे जुड़ जाती है, क्योंकि दंगल इतने सारे ऑडियंस को कनेक्ट करता है और आप डेली सबके घर में आना और एंटरटेन करना सोनी पे, जिस तरीके से ऑडियंस डेली टीवी में काम करना और अपने किरदार को वो अच्छी तरीके से निभाना, तो क्या कहना चाहेंगे? ये टुक टुक रानी का जो टैग है, ये मैंने खुद को दिया है। मैं एक ब्लू कलर की टुक टुक चलाती हूँ, और लोगों के लिए नहीं चलाती, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए चलाती हूँ। इससे पहले मेरे पास गाड़ी और ड्राइवर दोनों रह चुके हैं, तो ड्राइवर होने की वजह से मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई। पर जब टुक टुक यानी ये रिक्शा मेरी ज़िंदगी में आई, तब से ये मैं खुद चला रही हूँ। तो यू नो, एक सेंस ऑफ फ्रीडम, एक सेंस ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस वो मिला है, साथ में एक स्वैग भी मिला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई और एक्टर बंदी है इंडिया में जो रिक्शा चलाती है एज अ ओन व्हीकल। तो एक अलग स्वैग है, एक अलग मज़ा है, और साथ में मुझे चलाने में भी मज़ा आता है। सो इसीलिए टुक टुक रानी, और लोग मुझे वैसे ही पहचानते हैं। मैम, जैसे आपने कहा कि कोई नहीं चलाता है या मैं ही चलाती हूँ, तो ऐसे काफ़ी लोग ऐसे मिले भी होंगे या आपने देखा भी होगा जो जज बहुत जल्दी कर देते हैं। आजकल का ज़माना ये होता है कि इंसान को बिना पहचाने जज कर लो, देखे, तो वो चीज़ को आपने फेस किया है? ऑफकोर्स, हमारा जो देश है वो काफ़ी दिखावे का देश है, जैसे स्पेशली हमारी इंडस्ट्री। जैसे अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, और अगर आप मर्सिडीज से उतरे हो या आप रिक्शा से उतरे हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लोग आपको उस नज़रिए से देखने लगते हैं कि रिक्शा वाली गरीब है और मर्सिडीज़ वाला अमीर है टाइप्स। मैंने इस बारे में कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे भाता है। सो इट डिड नॉट मैटर टू मी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे, अनटिल एंड अनलेस कि मैं अपने आप के साथ बहुत ऑनेस्ट हूँ और अपने आप के साथ चीट नहीं कर रही हूँ। सो इट्स ओके। सड़क पे बहुत लोग मिलते हैं ऐसे जो यू नो रिक्शा वाले होते हैं, जो बहुत जिनमें बहुत मेल ईगो होता है, वो सोचते हैं अरे ये रिक्शा हमसे आगे कैसे चली गई, लड़की चला रही है कैसे चली गई, तो वो ओवरटेक करके आगे चले जाते हैं। कई लोग हैं जिनको लड़की को रिक्शा देख चलाते हुए देखते हुए मज़ा आता है, तो मुझे थम्स अप करते हैं, कई लोग फोटोज़ लेते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, पर जितनी मुझे अभी तक प्रशंसा मिली है उससे काफ़ी कम अवहेलना मिली है। तो प्रशंसा इज़ या दे लाइक इट, दे मोटिवेट मी, और मुझे मज़ा आता है जब कोई थम्सअप करके जाता है, अपने आप चेहरे पे स्माइल आती है। तो आप इंस्पायर हो काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कमेंट्स भी देखे हैं काफ़ी चीज़ों, मतलब काफ़ी पॉजिटिव नेगेटिव आपके ऊपर कमेंट्स किया गया है। बात करूं आपके करियर की, तो जैसे आपने टीवी में काम किया है तो रियलिटी शोज भी काफ़ी होते हैं, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, तो कभी इनमें जाना आपने कभी
चूज नहीं किया है या क्या है इसकी कहानी? सो रियलिटी शोज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है. मैंने एक दो रियलिटी शोज़ किए, जैसे आजा नचले में सरोज खान किया है, देन आई हैव डन मराठी बिग बॉस सीजन 4 जो लास्ट सीजन था. पर आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि मैं ना बहुत सच्ची इंसान हूँ. जो मेरे अंदर है ना वो मेरे फेस पे दिख जाएगा. और मेरे लिए रियलिटी शोज इज़ नॉट अ गुड फॉर्मेट, क्योंकि वहाँ पे एक्टिंग नहीं करनी होती, असलियत दिखानी होती है. लेकिन फिर भी लोग एक्टिंग करते हैं और मैं असलियत दिखा के फंस जाती हूँ. सो मे बी रियलिटी शोज आर नॉट फॉर मी. आपको पता ही होगा बिग बॉस 17 अभी चल रहा है, काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, और जो नहीं देख रहे तो इतने सारे क्लिप्स आ रहे हैं उनके फ़ोन पे, तो उससे भी कोई अंदाज़ा लगा. तो आपने किसी का क्लिप्स देखा या किसी आप सपोर्ट कर रहे से कुछ भी आप बता सकते हैं? देखिए मैंने एक्चुअली बिग बॉस फॉलो करना बंद किया है. आई एम ऑन अ बिग बॉस क्या कहते हैं ब्रेक. बट हाँ इंस्टा पे सारे दिखते हैं, अंकिता विकी दिखते हैं, मुन्नावर दिखता है, मनारा दिखती है. तो मैं सपोर्ट तो किसी को नहीं करूँगी, बस हाँ ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि हमेशा जो आपको दिखता है वो सच नहीं होता. और हमेशा आपको शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुन्नावर कितना गलत है यार, कितना दोगला है, या एक्चुअली असलियत आपको पता नहीं है. क्योंकि आपके पास जो आता है वो बहुत एडिटेड वर्जन होता है, वो बहुत मैनिपुलेटेड वर्जन होता है, या एक किसी भी इंसान के ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा हो सकता है जो उसे खुद नहीं अच्छा लगता, जिस पर वो काम कर रहा हो, पर वो अब दुनिया के सामने आ गया. तो किसी को भी, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो विक्की हो, या चाहे वो मुन्नावर हो, किसी को भी ज़्यादा हार्शली जज मत कीजिए. ये सब गेम खेल रहे, क्या पता आपको शायद कुछ सालों बाद पता चले अरे वो सब तो गेम था, दिखाने के लिए था, एक्चुअल में ही ऐसे. सो जस्ट बी काइंड टू एवरीवन, दैट्स इट. तो मैम आपको ऐसा लगता है जो कंटेस्टेंट जाते हैं टीवी के वो, और अभी तो एक नया कंसेप्ट आया है लॉकडाउन के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में सब डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी लोग आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है उसमें सब एक्टिंग करते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियल रहते हैं, सारे एक्टिंग नहीं करते? बहुत कम लोग हैं जो रियल रहते हैं बिग बॉस के अंदर, बहुत ही कम लोग, और वो मोस्टली जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि लोगों को असलियत देखनी नहीं है. लोगों असली लोग क्या होते हैं यार, असली लोग बोरिंग होते हैं. असली लोग वो होते हैं जो काम करते हैं, घर पे जाते हैं, चार लोगों के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं. पर वही अगर हम बिग बॉस में दिखाएंगे तो पब्लिक क्या देखेगी? उन्हें चाहिए ड्रामा, और ड्रामा क्रिएट करने के लिए नकली बनना पड़ता है, ये सच्चाई है. तो जैसे आपने नाम लिया विक्की, अंकिता, मुन्नावर, अभिषेक है, मनारा है, ये अभी टॉप फाइनलिस्ट में चले गए, तो आप अगर चाहे, मतलब आपने कहा मैं फॉलो नहीं करूँ, बट फिर भी अगर आपको ऐसे लगे कि ये जितना चाहिए ये इंसान, तो आप किसे कहेंगे? या सिंस मैंने फॉलो नहीं किया, मैं किसी के भी बारे में नहीं बोल सकती, पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि अंकिता जीतेगी. एंड आई थिंक जितना ड्रामा उसने क्रिएट किया, जितने उसके रिश्ते पे सवाल उठे, अभी हमें नहीं पता ये रिश्ता आगे जाके कंटिन्यू होगा नहीं होगा, क्या एक गेम शो की वजह से उसका रिश्ता टूट जाएगा, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है ये गेम के लिए. पर जिस तरह से अंकिता ने अपने आप को अभी तक प्रेजेंट किया है, जैसे वो हमेशा चर्चा में रही है और पॉजिटिवली रही है, मुझे लगता है अंकिता जीतनी चाहिए. मैम मैं कहूँ जैसे अंकिता और विक्की हस्बैंड वाइफ, उन दोनों ने अपने रिश्ता को पब्लिकली लाया है, उनका ही चॉइस है लाना, ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना कि सब क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपने उसे पूरा पब्लिकली कर दिया है. फिर जब कोई क्वेश्चन पूछता है तब फिर वो बोल, मतलब जब उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, जब मीडिया या कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो अंकिता कहती है कि विक्की ऐसा नहीं है, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अस, बाहर आके फिर सब ठीक हो जाएगा. तो ये वाला क्या लगता है आपको? मतलब फिर सब ये कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ पे हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ही ये ऑप्शन दिया है लोगों को कि, और रिश्ता भी उन्होंने पब्लिकली किया, या तो फिर वो अकेले आती या विक्की अकेले आता, तो फिर कोई उनको उनके रिश्ते पे सवाल नहीं उठाता. तो क्या कहना चाहेंगे इसे, क्योंकि आप टीवी इंडस्ट्री में रही है तो आपको हर एक चीज़ पता है क्या होता है, और एक्टिंग क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होता है, वो आप थोड़ा समझ सकती, पूरी तरीके से नहीं बोली तो भी आपको समझ आता है, तो क्या कहना चाहेंगे? टीवी में काम करने के अलावा मैं खुद मराठी बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है. तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता बाहर आने के बाद ठीक हो जाएगा, हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे कि एक हस्बैंड वाइफ घर में भी तो झगड़े करते हैं, घर में भी तो डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, घर में भी तो गुस्सा होता है, कोई मनाता है, कोई रूठ जाता है.
सो हम घर में भी तो इतने क्लेश करते हैं यार, जबकि जब घर में कोई आउटसाइड फैक्टर नहीं होता उन झगड़ों के लिए, राइट? बिग बॉस में तो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, वहां पे तो झगड़े क्रिएट करवाए जाते हैं, तो आई वुड से कि उन लोगों को गिव गिव देम सम स्पेस गाइज. और वैसे भी अगर वो लोग इतने झगड़े नहीं करते तो शायद आप लोग उनको नोटिस नहीं करते, या कुछ हफ्तों में आप उनको घर भेज देते. सो जस्ट बी पेशेंट विद देम, जस्ट बी काइंड, और ऑब्वियसली बाहर आने के बाद शायद असलियत पता चल ही जाएगी सबको. मैम आपसे पूछना, मतलब बिग बॉस में जाना पसंद नहीं करेगी, ऐसा है? यार मैं जा चुकी हूँ. हाँ, बिग बॉस मैं मराठी कर चुकी हूँ, तो जैसे शिव ठाकरे ने भी मराठी बिग बॉस किया, right. तो उनको ऑप्शन जब प्लेटफॉर्म मिला हिंदी बिग बॉस, तो वो भी आए, तो इसलिए आपसे पूछना चाहूंगी अगर आपको बिग बॉस करना है या खतरों के खिलाड़ी करना है या और भी डांस शो इतने सारे होते जो हिंदी के होते हैं, तो उसमें बताइए मतलब किसमें थोड़ा. मैं बिग बॉस करना चाहूंगी, पर फिलहाल मैं बिग बॉस ब्रेक पे हूँ, बिग बॉस डिटॉक्स पे हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक साल हुआ है. एंड यू गाइज हैव नो आइडिया वॉट बिग बॉस कैन डू टू यू. अंदर जाने के बाद बहुत मेंटल इमोशनल फिजिकल ट्रॉमा होता है, मैं अभी भी उससे निकलने की कोशिश कर रही हूँ, तो इतने जल्दी नहीं, बट हो सकता है 4-5 साल के बाद मेरे मन में ख्वाहिश जागे कि चलो फिर से एक बार खुद को आजमाया जाए, शायद तब, उसके अलावा फिलहाल नहीं. ओके मैम, आपने क्वेश्चन कर लिया, अभी टुक टुक से टुक टुक के बारे में पूछना चाहूंगी, उनके साथ आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और विच इज द बेस्ट प्लेस जो आप कभी अपने मेमोरीज से, मतलब वन काफी होगी बट वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज. एक्चुअली टुक टुक से जो मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, तो सबसे पहला ट्रिप मैंने किया था नागपुर, मुंबई से नागपुर, फिर आगरा तक गए थे हम लोग. एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था क्योंकि लंबा ट्रिप था. मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो आई मेड लॉट ऑफ मेमोरीज. हम बीच में जंगल में सो गए थे, एक बार हमारे टुक टुक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, और एंड वी वर स्ट्रैंडेड ऑन हाईवे. बहुत सारे लोगों से मिले अलग अलग, एक जंगल में गांव था जहाँ पर रात को हम गुजर रहे थे, तो नील गाय गई वहाँ से, तो वो देखा. कुछ लोग कबड्डी खेल रहे थे, मैंने उनके साथ कबड्डी खेला, तो ऐसे बहुत वाइल्ड अनएक्सपेक्टेड और बहुत ऐसी क्या कहते हैं उसको, हिप्पी वाइब्स वाला ये जो था ट्रैवल, वो मुझे अच्छा लगा था. उसके अलावा मैं गोवा गई हूँ, उसके अलावा मैं पूना गई हूँ, अभी गुजरात जाके आई हूँ, आई प्लान टू गो टू राजस्थान वन डे. तो ये सब तो मैंने कर लिया है, इट्स एन ऑन गोइंग थिंग. जैसे लोग साल में छुट्टियाँ लेते हैं, बस मैं अपनी छुट्टी टुक टुक के साथ बिताती हूँ. मैम आप जैसे हम जैसे जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स इतने सारे, इतने डिफरेंट ऑप्शंस लेके आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डॉक्यूमेंट्री बनता है, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी बनता है. अगर आपको अप्रोच किया गया अदर देन टीवी, जैसे आपने टीवी में काम किया, तो आप यार टीवी वालों को लेता कौन है यार, नहीं लेते टीवी वालों को. जो लोग निकल गए पहले बैच में वो लोग निकल गए, लाइक विक्रांत मेसी हो गए, हिना खान हो गई, ये सारे लोग, कृतिका कामरा हो गए, ये लोग निकल गए. करिश्मा तन्ना हो गई, अब नहीं ले रहे इन लोगों को. मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है सीरियल वालों के साथ. इनका हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, अगर आपको OTT या फिल्म्स में आना है तो आप सीरियल से ब्रेक ले लो 2-3 साल का, उसके बाद आप आओ, या सीरियल वाले एक्टर्स हम नहीं चाहते. आई डोंट गेट इट, एब्सोल्युटली डोंट गेट इट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बॉलीवुड के स्टार्स जो उस वक्त नहीं चले बॉलीवुड की फिल्मों में, अब आके OTT में चल रहे. तो अगर आपको बॉलीवुड स्टार्स मिल रहा है, आपको एक अच्छी इक्विटी वाला स्टार मिल रहा है, तो आप सीरियल वालों को क्यों काम दोगे? और फिलहाल ये गणित बहुत क्लियर है हमारे लिए ना, तो मेरे पास तो ऑडिशन तक नहीं आ रहे. पहले एक टाइम था जब बहुत सारे ऑडिशन आते थे वेब सीरीज के, फिल्मों के, अब है ही नहीं यार, अब हम उनकी गिनती में ही नहीं है, क्योंकि उनकी कास्टिंग तो लॉन्च होने से पहले आई थिंक आधी प्लानिंग के टाइम पे उनकी कास्टिंग पूरी हो जाती है. सो इट डजंट इवन कम टू अस, व्हाट कम्स इज ब्रेड क्रम्स, जो छोटे छोटे बचते हैं ना रोल, वो आता है. तो जो मीटी रोल्स है वो तो आते ही नहीं. तो ये सवाल तो आप मुझसे मत ही पूछिए कि सीरियल वालों वाले एक्टर्स को अगर OTT या फिल्म में काम मिल गया तो आपकी क्या, ऑब्वियसली करना चाहेंगे यार, बिकॉज द वर्क इज सो मच बेटर, द कॉन्टेंट इज सो मच बेटर, प्लस उसको एक स्टार्ट एक एंड होता है, एक प्रोसेस होता है जो जनरली टेलीविजन में फॉलो नहीं किया जाता. और एक एक्टर की इच्छा होती है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छे कॉन्टेंट के लिए काम करे, ताकि घर पर जाके सेटिस्फैक्शन मिले. पर यार नहीं है फिलहाल, ये ऑप्शन हम एक्टर्स के पास नहीं है, स्पेशली टेलीविजन एक्टर्स के पास. ओके मैम, आफ्टर दिस रैंट, हीट कन्वर्जेशन हल्का सा होगा, ठीक है. तो
फैंस को क्या कहना चाहेंगी, भले नहीं है वो अलग बात है क्या नहीं है फैंस, आपको लगता है मेरे फैंस नहीं है? है इसलिए टीवी से काफी फैंस होते हैं जो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब अपने चॉइस के हिसाब से करते हैं, बट टीवी ऐसा है कि आप हर दिन सबके घर पे जाते हो, तो अगर इंसान एक दिन नहीं देखेगा, दो दिन नहीं देखेगा, एक नाइट टाइम देखेगा, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? यार मुझे पता है कि टीवी में मेरे फैंस हैं क्योंकि मैंने काम किया है इतने सालों से, किया मिलते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आपसे कहना चाहूंगी कि बस ऐसे ही कृपा बना के रखिए, विश कीजिए कि मैं आपको हमेशा एंटरटेन करती रहूं अलग अलग किरदारों के साथ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के साथ, और हमेशा ऐसे ही काम करती रहो यार, क्योंकि काम करना जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।